सिस्टर मेरा पॉइंट ये था कि समय हम लो ना हो वही बड़ी बात है और आप हाई की बात कर रही हैं तो 70, एटी नाइन्टी कहाँ से लाएंगे सेवेंटी एटी 90 उल्टा जो डूब रहा है 70 से फोर्टी हो रहा है वो ना हो कम से कम कम ना हो वो तो ट्राई करें और आपके और बढ़ाएंगे अपनी एनर्जी को पॉसिबल है और बढ़ाना ही पड़ेगा जैसे हम सब ये सुन रहे हैं ना कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए राइट right? हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या करें जितनी थी उतनी है जितनी थी उतनी है तो आगे के समय में सेफ्टी नहीं रहेगी तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही तो जैसे ही हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ऐसे हमें अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को भी बढ़ाना ही पड़ेगा इसको अंडरलाइन कर लें कि इसको हमें बढ़ाना ही पड़ेगा देर इज़ नो सेंग कि क्यों क्या कैसे इसको बढ़ाना ही है फिर आगे देखेंगे कि दे स्टेप्स भी इमोशनल इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा लेकिन इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब क्या है इमोशनल इम्यूनिटी मतलब फिजिकल इम्यूनिटी किसको कहते हैं कि जहां बाहर कुछ होता है लेकिन हमारे hmm. शरीर के पास उसको फेस करने की फाइट करने की क्षमता होती है राइट hmm. right? तो उसको कहेंगे हाई इम्यूनिटी सिस्टम कि बाहर मौसम बदला पानी बिगड़ा अब ये वायरस है इन्फेक्शन है कुछ भी बातें तो बाहर की दुनिया में बहुत आती है ना लेकिन हर एक का एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है तो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है वो सिचुएशन को क्रॉस कर जाता है फिजिकल को वो बीमार नहीं होता और किसी को तो थोड़ी सी हवा बदली थोड़ा सा पानी बदला तो सर्दी जुकाम फ्लू वायरस ऐसा हो जाता है ना तो हम उसको क्या कहते हैं पुअर इम्यूनिटी सिस्टम तो फिर डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है अब इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम किसको कहेंगे जो हाई इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के साथ अपनी वाइब्रेशन अपनी मन की स्थिति को ऊपर रखेगा ये नहीं कि बात ही ऐसी थी उन्होंने बोला ही ऐसा कि बुरा तो लगना ही था उन्होंने ऐसा किया तो दुख तो होना ही था पुरानी बात है लेकिन हम भूल ही नहीं सकते क्षमा हम कैसे करेंगे दिस इज ऑल लो इम्यूनिटी सिस्टम जहाँ परिस्थिति और लोगों ने हमारे मन की स्थिति के ऊपर हावी हो गए और हम हो गए थोड़े से बीमार मन के अंदर बीमार मतलब उदास नाराज रो रहे निंदा कर रहे हैं ईर्ष्या कर रहे हैं ये है इमोशनल इलनेसेस तो ये तो हम हो गए थोड़े से बीमार ना तो इस समय हमारा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम लो तो जाना नहीं है एवरेज भी नहीं रहना अब हमें ऊपर लेकर आना है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना ही होगा तो उसके लिए हमें अपने सोचने का बात करने का व्यवहार करने का तरीका नज़रिया सारा कुछ बदलना पड़ेगा एवरी थिंग विल हैव टू चेंज जो हम बहुत सालों से अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे कितनी बार इसको करते आए हैं कि हर सिचुएशन में हमारा सोचने का बोलने का व्यवहार करने का तरीका और लाखों लाखों भाई बहने कितने प्यार से उसको स्टडी करते हैं फिर सेंटर पर आते हैं मेडिटेशन सीखते हैं और अपने जीवन में इतना सारा परिवर्तन लाते हैं तो उनका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना तो इसी तरह इस समय हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना ही है दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर हमारी वाइब्रेशन हाई होगी मतलब ऑर्डनरी सोच नहीं नेगेटिव सोच नहीं प्योर सोच राइट right सोच पावरफुल सोच तो दैट विल बी अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी वो हम फिर देखेंगे कि कौन सी फीलिंग्स को हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी कह सकते हैं और कौन सी इमोशंस को हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे तो जब वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगी तो हमारा इमोशनल हेल्थ ठीक रहेगा राइट right? आने वाले Correct. समय में हमें तो नहीं पता कि अभी आगे कौन सी परिस्थितियाँ आने वाली हैं लेकिन अगर हम 80, 90 की वाइब्रेशन पे चल रहे होंगे हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक रहेगी राइट right हो गई वो बात अब उससे क्या होगा हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी सही तो मतलब नो डिप्रेशन नो एंग्जाइटी अटैक ये सब नहीं होगा क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है अब जब इमोशनल हेल्थ ठीक है तो कौन से वाइब्रेशंस हमारे शरीर को रेडिएट होंगे प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे तो उससे हमारे शरीर की हेल्थ भी ठीक रहेगी अगर हम डर और एंजाइटी क्रिएट करते गए तो हमारे डर से सिर्फ इमोशनल इम्यूनिटी डाउन नहीं होता डर के वाइब्रेशन से फिजिकल इम्यूनिटी भी अफेक्ट हो जाता है शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम भी अफेक्ट होती है तो अगर हमने मन में हाई वाइब्रेशन रखा तो हमारे शरीर की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा राइट right? राइट right. चौथा लोगों के साथ रिश्तों में hmm. इस समय पिछले एक दो महीने से हम सब ट्वेंटी फोर बाई सेवन घर में रह रहे हैं ना hmm. और शायद ये पहली बार ये भी इतिहास में पहली बार होगा या कहें अपने जीवन के इतिहास में तो ये पहली बार ही हो रहा है कि पूरा परिवार इकट्ठे बंद ट्वेंटी फोर बाई कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है और वो भी एक डेढ़ महीने से इट्स नॉट हैपेंड इन आर लाइफ टाइम ये तो हुआ ही नहीं है तो इस समय क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की ताकत सहन करने की शक्ति एक दूसरे के संस्कार को टॉलरेट करने की शक्ति कोई कुछ कहे तो दूसरा चुप कर जाए उसकी शक्ति ये शक्ति hmm. को भी तो असर पड़ रहा है ना तो उसकी वजह से रिश्तों पर असर पड़ जाता है तो अगर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक होगी तो हमारे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और फिर बिल्कुल सही बोला आपने सिस्टर थोड़े दिन पहले थोड़ा सा मैं घबरा गया था एक ही दिन और उस एक ही दिन में मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था छोटी छोटी सी बात पे मैंने अपने स्टाफ को कुछ बोल दिया तो मेरी टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया था उस दिन सिर्फ एक दिन में इतना हो गया एक दिन एक ही दिन है ना वाइब्रेशन तो चेंज होती रहती है जैसे नीचे जाएगी तो सोल पावर कम हुई तो व्यवहार में फर्क दिखाई देगा तो उसमें एक दिन भी भी बहुत घंटे में भी हो जाती है आप देखो जब हम स्ट्रेस्ड हैं हैं तो हम इरिटेबल हो जाते हैं ना तो वो इट इज फॉर एन आवर एक्टली एग्जैक्टली तो, exactly. तो आसपास के लोग उस टाइम क्या बोलते हैं छोड़ दो ना थोड़ी देर चिंता है ना ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर बाद बोलते हैं ना ऐसा तो वो जैसे स्थिति डाउन हुई उसका व्यवहार पर असर पड़ेगा और रिश्तों पर असर पड़ जाता है और चौथा जब ये लॉकडाउन पूरा होगा हम काम पर जाएंगे अपने तो उसके लिए हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी होनी चाहिए हम ये अपनी इनर बैटरी को पहले से डिप्लीट करके अगर जाएंगे तो क्या हमारी परफॉर्मेंस परफेक्ट होगी वो तो नहीं, नहीं। होगी एंड पांचवा हमारी ये इमोशनल हेल्थ ये वाइब्रेशन प्रकृति में रेडिएट होती है विच मीन्स इट रेडिएट्स इन टू द एनवायरमेंट और ये वातावरण की एनर्जी बननी शुरू हो जाती है सो so हमारे मन की स्थिति से सृष्टि की एनर्जी बननी शुरू हो जाती है सो so सिर्फ चेक hmm. करें नाउ दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन फॉर टुडे कि मेरे मन का असर किस किस पर पड़ता है मेरे मन का असर इफेक्ट ऑफ माय एवरी थॉट मेरी हर सोच का असर सबसे पहले फीलिंग्स hmm. पर दूसरा शरीर की हेल्थ पर तीसरा रिश्तों पर चौथा काम पर हमारे करियर प्रोफेशन बिजनेस पर और पांचवा पूरी सृष्टि पर पड़ता है इसलिए हम उसको कहते हैं संकल्प से सृष्टि आर थॉट्स क्रिएट आर वर्ल्ड तो दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन फॉर टुडे। और जो जो हमारे कांटेक्ट में आता है उन पर भी असर थोड़ा छोड़ी जाते हैं हम लोग हाँ वो एक तो ना रिश्तों पर काम के जगह लोग होंगे उन पर और फिर पूरी सृष्टि की वाइब्रेशन के ऊपर आप हाई और लो वाइब्रेशन की बात कर रही थी हाँ जी तो मुझे कैसा पता चले कि इस वक्त मेरी वाइब्रेशन लो है या हाई है और अगर पता भी चले तो हाई कैसे करूँ लो को हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है पता होनी चाहिए कि कौन सी लो है कौन सी एवरेज है कौन सी हाई है क्योंकि अन बहुत समय से तो हम लो और एवरेज को भी नॉर्मल बोलते गए हैं है ना अब पता कैसे चलेगा कि जिस वाइब्रेशन से हम कंफर्टेबल फील करते हैं मन भी कंफर्टेबल फील होता है शरीर भी कंफर्टेबल फील होता है रिश्ते भी बहुत प्यारे बनते हैं दैट इज़ दैट गुड हाई वाइब्रेशन है ना जैसे सपोज सिंपल जब हम स्कूल में थे एग्ज़ाम था तो बच्चे को एग्जाम के दिन स्ट्रेस हो जाता है या hmm. पब्लिक स्पीकिंग से पहली बार स्टेज पर बोलने गए चार लोगों hmm. के सामने स्पीच देने गए तो मुंह सूख जाता है तो दिस इज़ नॉट अ गुड वाइब्रेशन नो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ हाई वाइब्रेशन क्योंकि इसने तो शरीर के ऊपर भी एक डिसकम्फर्ट की क्रिएशन क्रिएट की है के, मुझे स्विमिंग कंपटीशन में सिस्टर होता था कि यहाँ तक होता था कि जब तक पूल में जाने से पहले बुखार तक आ जाता था हाँ, फिर भी जैसे डाइव मार के फर्स्ट आ जाता था तो निकल जाता था वो एग्जैक्टली exactly. लेकिन ये जो ये तो मैंने पैदा नहीं किया ना नहीं नहीं ये तो बाय बाय बर्थ अंदर में रहा कि नहीं नहीं तो बाय बर्थ एग्जाम मतलब, से पहले भी होता था डर नहीं तो बाय बर्थ मतलब क्या बाय बर्थ हमारा संस्कार है ना वो हाँ तो मैं संस्कार लेकर आया ना तो यही कोई बात नहीं ना तो संस्कार ही तो चेंज करना है ना बट आज तक ये चेंज नहीं किया क्योंकि exactly. so चीज को मैं मैं समझता हूं, वो normal है तो चेंज करने की कोशिश क्यों तो exactly. so so ना कि नॉर्मल कौन सा है परफेक्ट कौन सा है एवरेज कौन सा है और लो कौन सा है यह हमें पता होना चाहिए तो आज आपसे मालूम हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है और चेंज भी किया जा सकता है कर सकते। मैं सोचता था जो लेकर पैदा हो यार हुए संस्कार ही ऐसे हैं मैं तो दिसंबर का बॉर्न हूं तो मेरा ये ट्रेट ही ऐसे ही है मेरे, लोग भी बोलते ना दिसंबर वाला ऐसे ही करता है आ, वो फलाने वाला ऐसे ही करता तो मैं समझता था ये चीजें चेंज भी नहीं हो सकती क्योंकि इट्स लाइक कंपनी से जो जैसे बन की गाड़ी आती है तो जो कोई डिफेक्ट होता बाई मैन्युफेक्चर डिफेक्ट समझ रहा था उसको में सबसे ईजी चेंज जो है ना वो है संस्कार बदलना दैट्स द इजिएस्ट थिंग टू डू क्यू बिलीव दैट वाई वाई नॉट इजीट इट्स ईजीएसट वाई इट्स ईजिएस्ट क्योंकि उसका कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है बाकी कुछ भी बाहर करना हो ना तो उसमें औरों पे भी डिपेंडेंसी होती है लेकिन अंदर का जो संस्कार चेंज करना है वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है इट्स टोटली आर पावर तो इसलिए वो सबसे ईजी होता है So, इसलिए ये तो याद रखना है कि ये सबसे इजी है चेंज करना ना चाहते हुए भी नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है चाहते हुए बिल्कुल कर सकते हैं सिर्फ चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए द वॉन्ट टू चेंज कि मुझे चेंज करना है क्यों चेंज करना है द वाई टू चेंज देन वॉन्ट टू चेंज के डिजायर टू चेंज और तीसरा हाउ टू चेंज तो तीन ही चीजें होती हैं वाई टू चेंज वॉन्ट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज तो वाई टू चेंज क्योंकि ये मेरे लिए कम्फर्टेबल नहीं है हाउ टू चेंज वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखा देती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए द वॉन्ट टू चेंज द डिज़ायर टू चेंज परिवर्तन करने की इच्छा वो क्लैरिटी होगी तो वॉन्ट आएगी ना

डब्बा सिगरेट का खरीदने जाता है ना तो उस पर वो मैन्युफैक्चर लिख के देता है दैट दिस इज डेंजरस फॉर हेल्थ तो वाई टू चेंज तो उस डब्बे पे लिखा हुआ होता है तो वाई टू चेंज तो है लेकिन द वॉन्ट टू चेंज तो वाई और हाउ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वॉन्ट टू चेंज होती है एक बार वॉन्ट आ गई ना कि मुझे ये चेंज करना है फिर तो परिवर्तन करना सबसे आसान होता है तो इस समय इस समय के हिसाब से वाई टू चेंज हमें पता है क्योंकि हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी फिजिकल इम्यूनिटी आने वाले समय और परिवार की सुरक्षा और सृष्टि की हीलिंग इस सब के हुँ. लिए वाई टू चेंज ये हमें आंसर पता है हाउ टू चेंज वो आज हम देखेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है अपने अंदर आज वो वांट टू चेंज क्रिएट कर दीजिए कि येस आई क्रिएट होती है इच्छा तो क्रिएट करनी पड़ती है ना परिवर्तन करने no, के लिए बाहर से हम खुद वांट भी चेंज कर सकते क्रिएट कर सकते हाँ आप एक्टर बने आपने वांट क्रिएट किया ना उसका सबने तो नहीं क्रिएट किया जिन्होंने नहीं क्रिएट किया वो नहीं बने जिसने क्रिएट किया वो बने तो वांट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना कोई भी चीज का एक्टर बनने की वांट और चेंजिंग दोनों में अंतर है ना हाँ चेंजिंग ने अंतर है उसके अंदर कि चेंजिंग अ नेचर इज़ वेरी इजी बाकी और कुछ भी बाहर करने में बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है लेकिन चेंजिंग अ नेचर सिर्फ अपने पास कंट्रोल है उसका तो चेंजिंग अ संस्कार द वॉन्ट टू चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो हमें अपने अंदर से जागृत हो गया तो चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस समय बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ घर से बाहर निकल रहे हैं देश की सेवा के लिए है ना hmm. और हम सब दिल से उनका शुक्रिया करते हैं उनको दुआएं देते हैं कि कैसे निस्वार्थ hmm. निस्वार्थ टायरलेसली अथक होकर ना दिन न रात है और अपने जीवन को रिस्क पे रख कर अपने परिवार से दूर रह कर वो सेवा कर रहे हैं हम देख रहे हैं ना उनकी सेवा और देख देख कर हर एक दिल दुआ देता है उनको कि कमाल के लोग हैं हमारी सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हैं सारा दिन ये सेवा है राइट हियर वी आर द वांट टू चेंज वो सब इतना कर रहे हैं वो हमें बचाने के लिए खुद हाई रिस्क सिचुएशन में जा रहे हैं यह है तो अब हमें अपने आप से पूछना होगा जब वो इतना कुछ कर सकते हैं हमारे लिए क्या हम इतना सा नहीं कर सकते अपने लिए और औरों के लिए इतना भी नहीं कर सकते वो इतना कुछ कर सकते हैं अपनी जीवन रिस्क पे डाल सकते हैं, अपने परिवार को रिस्क पे डाल लेकिन सकते हैं। वो लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं हमको अपने लिए ही करना है हमें अपने लिए भी करना है लेकिन जब हम अपने लिए करेंगे उसमें दूसरों की सेवा अपने आप हो रही है ना वेन वी चेंज आर वाइब्रेशन इट विल चेंज द वाइब्रेशन ऑफ पीपल अराउंड अभी आप अपने घर पे हैं राइट right? अगर आपका मन शांत है पावरफुल है निडर है तो आपके तरफ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी और जो वातावरण में फैलेगी वो कहीं ना कहीं किसी मन को जो इस टाइम उदास है निराश है वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी और उसके मन को सुकून देगी दिस इज़ द पावर ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी ट्रैवल करती है वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं तो ये कितनी बड़ी सेवा नहीं हो गई सेवा है ना घर में रहकर आपने किसी और के मन को सुकून दे दिया घर में रहकर सिर्फ अपने मन को ठीक रखकर किसी और के मन को निडर बना दिया ये सेवा नहीं है ये कितनी बड़ी सेवा है और कितनी आसान सेवा है अपना ध्यान रखने में अनेकों का ध्यान अपने आप रखा जाएगा इसको कहते हैं मनसा सेवा मन से की हुई सेवा एंड दैट इज वाई वी नीड टू क्रिएट द वॉन्ट टू चेंज इससे बड़ा वॉन्ट क्या हो सकता है कि मेरे संस्कार बदलने से सिर्फ मैं सुरक्षित नहीं मेरी वजह से अनेक मन सुरक्षित और सिर्फ अनेक मन सुरक्षित नहीं प्लानिट की एनर्जी चेंज हो जाएगी और जब प्लानिट की एनर्जी हाई हो जाएगी तो प्लानिट की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी इस समय सृष्टि को हाई एनर्जी वाइब्रेशन की ज़रूरत है न तो उसमें योगदान तो हरेक को देना पड़ेगा करना पड़ेगा ना योगदान तो इस समय हमको हरेक को वो योगदान देना है तो एक होता है तन से सेवा एक होता है धन से सेवा जो बहुत लोग कर रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइट right? और ये मन मन से सेवा और तो ये मन, तो मन से, से सेवा तो हमें तीनों प्रकार की सेवा जिसका रोल है तन से सेवा वो वो करेंगे जो धन से तो हम सब कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार लेकिन हरेक मन से सेवा कर सकता है जो तन से भी नहीं कर सकता धन से भी नहीं कर सकता लेकिन मन से तो हरेक देश का हरेक नागरिक विश्व का हरेक नागरिक मन से सेवा कर सकता है दैट इज क्रिएटिंग करने वाले भी तो को साथ में मन से करते तो कितनी बड़ी बात हो जाती मन की सेवा तो हरेक को करनी है फिर धन की सेवा भी क्षमता अनुसार करनी है और तन की सेवा जिनका रोल है उनको ही बाहर जाके इस समय करनी है लेकिन मन की सेवा तो हर एक को करनी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो ये इक्वेशन अब हम याद रखें कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन इस समय हीलिंग में हमारी सेवा है अपने मन की स्थिति की वाइब्रेशंस को हाई रखना फिर हम देखते हैं कि हाई वाइब्रेशंस कौन सी होती है वो देखेंगे